इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कब आएगा, यानी हम इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू पैसा कब कमा पाएंगे। तो भाई ये वीडियो इतनी ज्यादा डिटेल में होने वाली है कि आप मेरे आंसर का वेट ही नहीं करोगे, आप लोग खुद बता दोगे कि हाँ भाई मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कब आएगा। मोनेटाइजेशन, हाँ मैं एकदम से ना, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पाता, बट आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बना रहे हो वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कब आएगा, या फिर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो तो आपको डिटेल में सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने सोचा भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी ज्यादा वीडियो डली हुई है कि भाई रील्स पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कल आने वाला है, एक हफ्ते बाद आने वाला है, और भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं आप भी गया काफी कंट्रीज में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो भाई सब कुछ डिटेल्स में आपको पता चलने वाला है, जो आप गुमराह हो रहे हो ना, सब कुछ आपको पता चलने वाला है, ठीक है ना। तब कर दो वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस देखो, अगर इंस्टाग्राम अपनी रील्स पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन लाती है तो सबसे पहले उसको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, उसको एड्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम रील्स हमको पैसा देगी तो वो कैसे कमाएगी, वो कमाएगी एडवर्टीजमेंट से। लाइक जैसा आप यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने मेरी वीडियो ओपन करी तो सबसे पहले आपको एक एड दिखा होगा, तो यूट्यूब उससे पैसा कमा रही है। लाइक वो एड, जैसे आपने मेरी वीडियो ओपन करी, कोका कोला का एड आया, तो कोका कोला ने यूट्यूब को दिए 50 रुपए, ठीक है ना, आप डिटेल में समझना। कोका कोला ने यूट्यूब को 50 रुपए दिए कि आपने हमारा ऐड चलाया है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो हम आपको 50 रुपए दे रहे हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, 30 रुपए खुद रख लेता है और 20 रुपए देता है मुझे। तो ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म पैसा कमाते हैं, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम कमाएगी। तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम क्या करेगी, जैसे आप लाइक अब स्वाइप अप करके यहाँ पर रील्स देखते हो ना, तो पता है आपको उस टाइम क्या दिखेगा, जब आप स्वाइप अप करोगे ना तो आपको बीच में एड्स दिखेंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम भी तो एड्स से ही पैसा कमाएगी, तभी वो हमको पैसा देगी, ठीक है। तो आपको बीच बीच में एड्स दिखेंगे, और उसके कारण क्या होगा, काफी यूजर जो रील्स देखते हैं वो देखना छोड़ देंगे। ये बात बिल्कुल पक्की वाली बात है। आपने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा, वो इंसान चाहे तो महीने में कितने लाखों रुपए कमा सकता है, बट बताए वो अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन जो ऑप्शन है ना, वो उसको ऑफ रखता है। पता है क्यों, क्योंकि उसका रीजन यही है, उसका कहना ये है कि मैं मोटिवेशन यहाँ पर स्पीक वगैरह मतलब मोटिवेशन लोगों को करता हूँ, और उसके बाद क्या होता है बीच में ऐड आ जाता है ना, तो भाई वो कनेक्शन टूट जाता है। तो भाई एक ऐड इतनी बड़ी बीमारी, काफी लोगों का कनेक्शन टूट जाता है, तो इसलिए वो देखना ही छोड़ देंगे। जब हम रील्स पर आते हैं हमारे 10 मिनट 15 मिनट कब में चले जाते हैं पता नहीं चलता, बट बीच में अगर ऐड आ गया ना, एकदम से उसको स्किप कर देंगे और उसके बाद हटा देंगे, तो बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जानते हैं। अब दूसरी बात आती है कॉपीराइट की। YouTube पे अगर आप किसी का भी कॉपी वाला वीडियो अपने चैनल पर पेस्ट कर दोगे तो YouTube आपको स्ट्राइक दे देगी और 1 रुपए घंटा नहीं देगी, क्योंकि आपकी वीडियोस में एड ही नहीं चलाएगी वो। तो ऐसे Instagram पर होगा। Instagram पर जब मैं रील्स देखता हूं ना, तो मतलब 4 या 5 अकाउंट रियल मिलते हैं और ज्यादातर फेक मिलते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। क्रिकेट की वीडियो डाली जा रही है, अब भाई क्रिकेट मतलब धोनी की वीडियो डाली जा रही है, लाइक है ना, तो भाई धोनी खुद थोड़ी डालना है, कोई और डालना है ना, तो उससे क्या होगा, कॉपीराइट आएगा उस बंदे को, और उसका चैनल जो है वो शायद डिमोनेटाइज भी हो सकता है, अगर इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट लाती है डिमोनेटाइज भी हो सकता है, और उसके बाद क्या होगा, उसका जो पेज है वो उड़ भी सकता है। तो अभी बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे इंस्टाग्राम को। काफी लोग तो ये बोल देते हैं कि भाई एक हफ्ते बाद आ रहा है इंस्टाग्राम, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो भाई एक हफ्ते बाद आ रहा है मैंने बात ही मान ली, पर उसके पीछे जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो इंस्टाग्राम एक हफ्ते में कर देगी, आज एक घंटा कर देगी। भाई यूट्यूब अगर हमें पैसा देता है तो उसके साथ इतनी ज्यादा हमको बात माननी पड़ती है। लाइक अगर मैं अपनी वीडियो में कोई गाना भी गा लेता हूँ ना, अगर मैंने अलग गाना गा लिया, मेरा दिल भी कितना पागल है, अब तो मैंने गा लिया, बाकी मैं पूरा नहीं गाता क्योंकि 15-10 सेकंड तक की कुछ लिमिट होती है। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुंह से जब मैंने गाया ना, तो इस पे भी YouTube मुझको कॉपीराइट भेज देगा और मेरी वीडियोस पर एक भी ऐड नहीं चलेगा। जैसे देखो YouTube पे पता है क्या सीन होता है, ग्रीन डॉलर आता है तो इसका मतलब मुझको पैसे मिल रहे हैं, बट अगर येलो डॉलर आ गया तो मुझको पैसे नहीं मिल रहे, मैंने कोई ना कोई चीज कॉपी करी है। तो कॉपीराइट के इतने ज्यादा रूल होते हैं, तो भाई Instagram को भी ज्यादा रूल्स करने पड़ेंगे। मतलब Instagram पे जब हम मोनेटाइजेशन ऑप्शन आएगा ना, तो हम किसी का भी कोई भी वीडियो डाल ही नहीं सकते हैं, लाइक गाना तक नहीं ले सकते हैं। YouTube पे आप लोगों को पता है कि YouTube शॉर्ट आया, ठीक है ना, तो YouTube शॉर्ट जब स्टार्टिंग में आया था, उसने मोनेटाइजेशन ऑप्शन ऑन ही नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वो गाना दे रहा था, समझ पा रहे हो, मतलब वो गाना दे रहा था। अगर आप YouTube का जो शॉर्ट है, अगर आप किसी गाने पर वीडियो बनाते हो ना, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलता, अगर आप अपनी वॉइस में वीडियो बनाते हो तो तब आपको रुपए मिलते हैं। और Instagram रील्स पर क्या चलता है, केवल गाने चलते हैं, तो पैसा हमको एक नहीं मिलने वाला। तो भाई बहुत सी चीजें हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है ना गाने के, लिपसिंग के, इन पे कभी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन हो ही नहीं सकता, मेरे से लिखवा के रख लो। तो वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल गई है। तो ये सारी कंडीशन है, जब Instagram रील्स का मतलब मोनेटाइजेशन ऑप्शन लाएगी तो उसको सारी कंडीशन करनी पड़ेगी, और
और आपको क्या लगता है अगर इंस्टाग्राम ने मोनेटाइजेशन का ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिया, अगर आप गाने पर वीडियोस बना रहे हो, सबकी वीडियोस पर कॉपीराइट आ जा रहा है तो पैसा कहां से मिलेगा आपको? इंस्टाग्राम सोचेगा पैसा किसी को मिल नहीं रहा है तो उसके बाद उसको ऑफ कर देगा। तो जाहिर सी बात है, तो भाई ऐसा ये चीज कभी फंक्शन आ ही नहीं सकता, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स पर आप फेमस हो सकते हो, उसके थ्रू आप हर प्लेटफॉर्म पर जाकर पैसा कमा सकते हो, लाइक यूट्यूब पर आ जाओ आप कहीं भी पैसा कमा सकते हो, बट इंस्टाग्राम पर पैसा आप नहीं कमा सकते। मेरे से लिख के ले लो, वो बात अलग है। इंस्टाग्राम कुछ प्राइस अनाउंसमेंट कर दे कि भाई जिसकी रील्स अच्छी लगी उसको यहां पर 1,00,000 मिलेगा, 10,000 मिलेंगे, जैसे यूट्यूब शॉर्ट ने करा था, तो ये चीज अलग हो गई। बट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन अभी नहीं ऑन हो सकता। जितने भी बेकार यूट्यूबर आप लोगों को बात बता रहे ना, उसको मेरी वीडियो का लिंक भेज देना, क्योंकि उनको भी डिटेल में पता ही नहीं कि मोनेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो बस यार वीडियो कैसी लगी डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूट्यूब पे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको डिटेल में वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरा मोटिव पता है क्या होता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम करो उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अगर मैं वीडियो अगर मैं दिन में 1 घंटा टाइम निकालूं अपनी वीडियोस के लिए, तो कम से कम 5 से 6 घंटे मैं रिसर्च करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ A to Z चीजें पता है भाई। मेरे सामने किसी को भी लाके खड़ा कर दो, घमंड नहीं है, मैं इतनी ज्यादा रिसर्च करता हूं इसलिए बात ये पता है। तो ये बात भी मैं कह रहा हूं कि भाई नहीं आ सकता भी, तो अभी त्याग मारो उस बात को। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई मोनेटाइजेशन का ऑप्शन कब आएगा, तो ये पूरी वीडियो उस पर डेडिकेटेड है। अगर आपको अपना डेडिकेशन लेना है, मतलब सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपको अपना क्रेडिट लेना है तो नीचे कमेंट करो कोई टॉपिक अच्छा लगा मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। इंस्टाग्राम से रिलेटेड होना चाहिए और आपको सारा क्रेडिट दे दूंगा। ठीक है ना, तो बस यार आज की वीडियो तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ हम रहे प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते।